नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। प्रदेश में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए सीमांत जनपद चंपावत का प्रशासनिक अमला हुआ। सतर्क जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा व टकनपुर नगरों के सभी वार्डो में डोर टू डोर कोरोना टेस्ट सैंपलिंग करवाई जा रही है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदेश में बढ़ती ठंडक के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण ग्राफ को देखते हुए चंपावत जनपद में कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए जनपद के प्रवेश द्वार बनबसा नगर के जगपुरा चेक पोस्ट पर जनपद में बाहर से आने वाले यात्रियों का डाटा सेव करवाना एवं बनबसा और चकनपुर नगर निगमों के सभी वार्डो में डोर टू डोर कोरोना टेस्ट सैंपलिंग करवाना शुरू की गई है। साथ ही क्षेत्र में कोरोना से बचाव के प्रति नागरिकों में जागरूकता फैलाने पर दिया जा रहा है जोर। साथ ही क्षेत्र में कोरोना से बचाव के प्रति नागरिकों में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर सैंपलिंग अभियान हर एक घर में सैंपल का संचालन करेंगे। अभी कुछ दिन से टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में कोरोना के फिर से केसेस काफ़ी बढ़े हैं, तो हमारे द्वारा जिला प्रशासन और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में ये कदम उठाया गया था कि हम डोर टू डोर सैंपलिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम लोग सैंपलिंग के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारे द्वारा लोगों को घर घर जाके जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका की टीम भी इसमें लगी हुई है, उसके मेडिकल टीम भी हमारी लगी हुई है, उसके बावजूद भी काफ़ी कम लोग सैंपलिंग के लिए सामने आ रहे हैं। तो मैं अपील भी हम लोग जिला प्रशासन की ओर से जनता से करना चाहते हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो और हर परिवार से एक व्यक्ति की सैंपलिंग हो। तो हमने जो अभियान चलाया है हर घर एक सैंपल का, हम चाहते हैं कि लोग उसमें सामने आएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जाँच करवाएं।